नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महात्मा गांधी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार, स्टाफ की कमी से हो रही परेशानियां। इंदौर शहर के बीच स्थित एमटी क्लॉथ मार्केट की एक दुकान में लगी भीषण आग, बड़ी मशक्कत से पाया काबू। जिले में शरद पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, तैयारियां शुरू। भारतीय पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मांडल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सरकार भिलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है, इसका मरीजों को फायदा मिल रहा है, लेकिन सुविधाएं बढ़ाए जाने के अनुसार स्टाफ नहीं बढ़ पा रहा। इसके चलते स्टाफ की कमी महसूस की जाने लगी है और कई वार्डो में तो रात्रिकालीन शिफ्ट में एक ही नर्सिंग कर्मी काम कर रहा है, जिसके चलते कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की तो हालत काफी गंभीर है, यहाँ डिलीवरी की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टर नवीन भड़ाना और डॉक्टर मुकेश सुवालका के साथ ही अन्य चिकित्सकों के कारण निजी अस्पतालों की तुलना में यहाँ सीजीरियन भी काफी अधिक होते हैं, लेकिन इन वार्डों में भर्ती रहने वाले मरीजों की देखरेख के लिए रात्रिकालीन ड्यूटी में मात्र एक नर्सिंग कर्मी तैनात रहती है। ऐसे में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किसी एक मरीज की हालत गंभीर होने पर दूसरे मरीजों को देखने वाला नहीं मिलता। इसी वार्ड में शनिवार को हालत यह थी कि पलंग से डेढ़ गुना महिलाएं डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, उन्हें पलंग भी नहीं मिलता और कई तो ब्रेचों पर सोई हुई नजर आई। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैटरनिटी वार्ड के विस्तार की और आवश्यकता महसूस की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने हलचल को बताया कि अस्पताल का विस्तार होने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है, लेकिन स्टाफ में कई सालों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में व्यवस्थाएं बनाए रखी जा रही है और स्टाफ बढ़ाने के लिए पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए सीएमएचओ को पत्र लिखकर 12 नर्सेस कर्मी मांगे गए हैं, अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो व्यवस्थाएं काफी सुधर जाएंगी। पीएनसी वार्ड की नर्सेस कर्मियों को भी उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी लिखित में मांग की, इसे लेकर उनसे भी चर्चा की जाएगी। इसी तरह सुभाष नगर स्थित डिस्पेंसरी में पिछले कई महीने से डॉक्टर नहीं आ रहा है, जब भी जाते हैं डॉक्टर छुट्टी पर है का बोर्ड टंगा हुआ मिलता है। जब वार्ड वासियों द्वारा बार बार आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा को बताया तो वहां जाकर देखा तो डॉक्टर वहां पर उपस्थित नहीं मिला, जिसके लिए सोमवार को जिला कलेक्टर से मिलकर बात की जाएगी। विजय गढ़वाल के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। इंदौर शहर के बीच स्थित एमटी क्लॉथ मार्केट की एक दुकान में सुबह भीषण आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां आसपास भी कपड़े की दुकानों में इसके फैलने की आशंका थी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। जानकारी के मुताबिक दुकान पंकज जवाहर सोमानी की है और इसकी तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कैलाश सिंह, इंदौर की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल। अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ाहलचल.com। आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें, मोबाइल नंबर 7737741455, भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा जिले में शरद पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा के मौके पर 300 किलो खीर का भगवान को भोग लगाया जाएगा। इस मौके पर महाआरती होगी। इसी तरह रेलवे स्टेशन स्थित हटिले हनुमान मंदिर पर भी बालाजी को खीर का भोग लगेगा, जबकि सुंदरकांड पाठ रखा गया है। पंडित बालकिशन ने बताया कि इस मौके पर 500 किलो खीर का भोग लगाया जाएगा और विष्णु सांगावत द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसी तरह पेच के बालाजी के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन बालाजी को विशेष चोला चढ़ाया जाएगा और महाआरती के बाद खीर का भोग लगाया जाएगा। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। मेवाड़ के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले भिलवाड़ा जिले का एक ऐसा मंदिर जो न केवल अपनी प्राचीनता बल्कि अपने चमत्कारी किस्सों के लिए भी प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ बंकिया रानी माताजी मंदिर। भिलवाड़ा जिले के आसीन में स्थित बंकिया रानी माता मंदिर करीब 1100 साल पुराना है।
अगर इस मंदिर की खासियत की बात की जाए तो यहाँ दर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु शारदीय नवरात्र में माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ईश्वरलाल गुर्जर ने बताया कि इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी के तहत बताया गया कि उनके पूर्वज वर्ष 1444 से पहले इस क्षेत्र में गोपालन का काम करते थे। इस दौरान एक वृद्ध माता के रूप माताजी ने पहाड़ी पर छोड़ने की बात कही तथा अपना स्वरूप दिखाए। उस दिन से इस चमत्कारिक स्थान पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर हनुमान भगवान भैरव माता बंकिया रानी का प्रसिद्ध स्थान है। बंकिया रानी माताजी स्थान पर ऊपरी बाधा दूर करने के लिए तथा लकवाग्रस्त रोगी मन में श्रद्धा लिए मंदिर में आते हैं तथा रोगों से छुटकारा पाते हैं। यहाँ शनिवार और रविवार को विशेष भीड़ रहती है। मंदिर के पास तालाब है, लोग उसमें स्नान करते हैं। बंकिया रानी माताजी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर आमेसर रोड पर हनुमान मंदिर है। माताजी मंदिर आने वाले भक्त बिना हनुमान मंदिर दर्शन के नहीं जाते। नवरात्र के 9 दिन तक कई परिवार यहां पर रहते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि दूर दराज की विभिन्न जिलों से वह प्रतिवर्ष क्षेत्र एवं शारदीय नवरात्र में माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं तथा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अरदास करते हैं। बंकिया रानी मातेश्वरी धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित ठहरने के लिए सरायों का प्रबंध किया गया है। निःशुल्क भोजनशाला, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं हेतु मंदिर परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 20 पुलिसकर्मी तैनात हैं एवं 30 से अधिक स्थानीय युवाओं के द्वारा मंदिर में देखरेख संबंधी व्यवस्था की गई है। लगभग सन 1444 से पहले हमारे पूर्वज जो की थे वो बाशी में गाय चला रहे थे, तो उनको एक बूढ़ी आत्मा के स्वरूप में मातेश्वरी मिली और पास में ही एक पहाड़ी थी, तो हमारे पूर्वजों को बोला कि भाई मुझे इस पहाड़ी के ऊपर छोड़ दो। तो उस पहाड़ी के ऊपर उस बूढ़ी आत्मा को छोड़ने के बाद में मातेश्वरी ने अपना स्वरूप बताया और विशाल रूप में वहाँ से ये धाम प्रकट होने लग गई तथा काफ़ी दूर दूर से यात्री आते हैं अभी। और इसके अलावा जो ऊपरी हवा या पैरालिसिस का जो अगर कोई भी मरीज होता है उनका यहाँ ऑटोमेटिकली इलाज हो जाता है। राजस्थान से आए हैं हम, पिछले 4 वर्ष से माता जी के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ देश विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और सबको फायदा होता है। अच्छी सुविधा है, यहाँ रेस्टोरेंट, भोजनालय वगैरह, धर्मशाला भी है, फोर व्हीलर पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है, नहाने धोने की भी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललिता कुंवर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल, संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल@gmail.com। भिलवाड़ा जिले की महत्वाकांक्षी चंबल परियोजना का जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गुड़ला में पानी नहीं मिल रहा है, जबकि यहां से पाइपलाइन निकल रही है। PHED द्वारा गुड़ला मुख्यालय पर पंचायत द्वारा मजरे में पेयजल सप्लाई करती है। चंबल परियोजना द्वारा गुड़ला में टंकी तक राइजिंग पाइपलाइन नहीं डालने के कारण गुड़ला में पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पुरानी लाइन है वह भी सीमेंट की, जिसमें पानी कम दबाव से छोड़ते हैं और ज्यादा पानी छोड़ने पर यह लाइन फूट जाती है। जो ये पानी पंचायत के द्वारा पेयजल गुड़ला के मजरे में दे देते हैं और गुड़ला मुख्यालय पर चंबल परियोजना का पानी नहीं मिल रहा है। गुड़ला में 4-6 इंच की राइजिंग लाइन से टंकी को नहीं जोड़ने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। श्रीमान हमारे विधायक साहब लदूलाल जी पीतलिया, श्रीमान सरपंच साहब और सभी युवा साथियों से कि एक आंदोलन करें जिससे गांव को शुद्ध पेयजल मिले, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जावान जिससे आने वाली पीढ़ी ऊर्जावान रहे। समस्या ये है कि 1000 TDS का पूरा गांव पानी पी रहा है। 1000 TDS इटमीन्स मतलब 1100 TDS का पानी, जबकि कागजों में गुड़ला गांव को जोड़ रखा है चंबल पानी से और कागजों में बता रहे हैं सैकड़ों करोड़ आते हैं यार, कहने का जल मिशन के तहत मतलब भारत सरकार दे रही है, मोदी साहब पैसा दे रहे हैं, इनको लड़ने में क्या जोर हो रहा है और फील्ड में हट करके कभी एक्सरसाइज करते नहीं है लोग, हायर इतना ले रहे हैं, कब तक चलेगा यार ये? पूरा गांव के घोड़े टूट रहे, छोटे छोटे बच्चे नाड़ में चढ़ते हुए उनको हालत खराब हो रही है, नाड़ उतर नहीं पा रहे हैं। कम खर्च बड़ा मुनाफा, भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप।
bhilwarahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ा के गोरक्षक पृथ्वीराज सिंह को उदयपुर में राष्ट्रीय गोसेवा पुरस्कार से सम्मानित किया और भिलवाड़ा का नाम रोशन किया। पृथ्वीराज राज सिंह काफी समय से भिलवाड़ा में विधायक अशोक कोठारी के एम्बुलेंस के द्वारा भिलवाड़ा में दुर्घटनाग्रस्त निराश्रित गोवंश का रेस्क्यू करते हैं और शहर में लगभग 800 से ज्यादा गोवंश को रेडियम कॉलर पहना चुके हैं। मांडल में भारतीय पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सेंट डी पब्लिक स्कूल मांडल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी प्रदेशों की झांकियों के माध्यम से उनकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल न्यायाधीश एवं ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों को भारतीय पर्यटन और संस्कृति को समझने व प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और पर्यटन हमारी धरोहर है, जिन्हें संजो कर रखना और बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।